हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द लविंग गोरखा जोजो। तो आप लोग कैसे हैं? तो आज कुछ काम से आया था मैं, इसीलिए मैं यहाँ पर एक माँ बोधि बोल के यहाँ पर बुद्धिस्ट का एक टेम्पल्स है, सो इसके ऊपर तो यहाँ पर आया था और लामा लोग से कुछ मिलना था, बात करना था, लेकिन लामा लोग मिलेगा नहीं मिलेगा कुछ पता नहीं है। ऊपर लॉकडाउन के बाद में यहाँ पर बहुत सारे सुनना सा रह गया यहाँ पर, तो इसीलिए अभी देखना पड़ेगा ऊपर जाने के बाद में मिलेगा। अभी बहुत अच्छा है, मॉन्क्स लोग मिल गया तो बहुत अच्छा है मेरे लिए, अभी नहीं मिला भी अच्छा ही है। तो ये हैदराबाद में पड़ता है, ये ऐसे है यहाँ पर, तो देखिए आप लोग देख सकते हैं। तो चलते हैं आगे, मिलते हैं कि नहीं मिलते मॉन्क्स लामा लोग, तो उसके ऊपर चलते हैं। दोस्तों तो मॉन्क्स अच्छा उधर है मॉन्क्स लोग, और यहाँ से अब हम लोग का जो बुद्धिस्ट टेम्पल्स है सिक्किम छोड़ के हम लोग को फिर ऊपर कर्नाटका जाना पड़ता है, तो यहाँ नज़िक पड़ता है मुझे, इसीलिए अभी आ गया मैं यहाँ पर। तो ऊपर चढ़ते जो मॉन्क्स लामा लोग है यहाँ पर बैठे। तो दोस्तों क्या करें, यहाँ मॉन्क्स लोग है तो गुरु जी बोले हैं कि यहाँ पर शाम को 6 बजे आएंगे, तो 6 बजे तक रुकता हूँ और 6 बजे तक थोड़ा रुक के उसके बाद में थोड़ा उधर पूजा होगा, पूजा होने के बाद ऊपर जाता हूँ और तब तक मैं थोड़ा 6 बजे तक रुकता हूँ। मॉन्क्स भी नहीं है यहाँ पर, और लामा जो बड़ा मॉन्क्स लामा है हम लोग का जो लामा भी अभी आए नहीं है गुरुजी, तो छोटा मॉन्क्स बोला है कि 6 बजे आएंगे, तो 6 बजे जाता हूँ इसलिए। और यहाँ से ऊपर आएंगे तो ऐसे नज़ारा दिखता है। अभी शाम का 4:47 हो गया, देखिए देख सकते हैं यहाँ से नज़ारा यहाँ से। तो चलते हैं ऊपर गुरुजी के पास, कौन गुरुजी है नहीं है देखना पड़ेगा ऊपर में फिर, थोड़ा देर के बाद में देखते हैं। बहुत अच्छा जगह है, शांति जगह है, हमारा गौतम बुद्ध जी का उधर स्टैचू फोटो मूर्ति लगा हुआ है बहुत, और यहाँ से ऊपर ऐसा भी है। थोड़ा यहाँ बैठा हूँ मैं, अभी गुरुजी को वेट कर रहा हूँ मैं थोड़ा, तो अभी गुरुजी वगैरह आए नहीं है, तो देखता हूँ गुरुजी कब तक पहुँचेंगे यहाँ पर। और गुरुजी यहाँ पर आ गए तो अच्छा हो जाएगा, कुछ बाद में पूछना था। और थोड़ा यहाँ पर जहाँ भी एक जैसे एक मंदिर टेम्पल वगैरह होते हैं ना, मस्जिद वगैरह, तो बहुत पीसफुल जगह होता है बहुत, क्योंकि यहाँ पर जो गॉड होता है वो रहते हैं ना, तो यहाँ पर बहुत पीसफुल जगह होते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर आगे ये मुंशी टेम्पल के पास आ गया मैं यहाँ पर, तो अभी कोई भी नहीं है अभी यहाँ पर, जाएंगे अभी थोड़ी देर के बाद में ऊपर। तो यहाँ से थोड़ा ऐसे ऐसे नज़ारा देखने को मिलता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर माँ बुद्धि है, और यहाँ पर जाएंगे आगे आप लोग देख सकते हैं। अभी यहाँ पर बोले हैं कि 5:30 से मेडिटेशन होते हैं, और उसके बाद में जो मॉन्क्स लोग हैं लामा लोग आएंगे, तो उनको इंतज़ार कर रहा हूँ मैं। और बहुत पीसफुल हो गया, बहुत शांति जगह हो गया, और यहाँ पर बहुत पीसफुल जगह शांति जगह होते हैं। तो अभी आप लोग को यहाँ का अंदर का जो नज़ारा है ऐसे मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, देखिए दोस्त लोग आप लोग, और जो इधर रहने के जेंट्स लोग का इधर, और ये हमारा बुद्धा भगवान जी का मूर्ति है यहाँ पर, और इस तरफ लेडीज लोग रहते हैं। और 5:30 को मेडिटेशन यहाँ से होएगा बोला है, तो वेट करता हूँ मैं गुरुजी को। एक्चुअली गुरुजी को मिलने के लिए आया था, गुरुजी भी है नहीं यहाँ पर, अभी 5:30 6:30 समथिंग कितना टाइम पे आएंगे, और छोटा मॉन्क्स लोग हैं उन लोग खेल रहे हैं नीचे, तो अभी इन लोग का टाइम नहीं हुआ है पूजा के लिए भी, और ऐसा है। और आप लोग यहाँ खिड़की के बाहर से देखेंगे तो हैदराबाद का नज़ारा ऐसे दिखते हैं आप लोग को, देखिए और बहुत सुंदर जगह, बहुत अच्छा जगह दिखता है यहाँ से। Thank you.
और देखो दोस्तों, यहाँ से ऐसे नज़ारा दिखता है और बहुत सुंदर सुंदर जगह है यहाँ पर। ऐसे देखो, सफ़ेद सफ़ेद वाइट वाइट जैसे, थोड़ा देखो घाम भी डूब रहे हैं अंदर, ऐसे दिखा हुआ अपन ने। तो यहाँ से जाने के लिए ऊपर ऐसा लगता है बहुत सारे पीसफुल जगह ही है। जहाँ भी हम लोग बुद्धिस्ट होते हैं वहाँ पर बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया भी लगते हैं। और ऐसे हम लोग को ऊपर जो दिख रहा है यहाँ पर ऐसा है। अभी तो नीचे लाइन वाला खेल रहा था, उन लोग का पूजा का टाइम हो गया तो चला गया। अभी देखो दोस्तों, यहाँ पर बहुत सुंदर नज़ारा दिखता है। यहाँ से देखो, इधर से देखो, बहुत जगह अच्छा लगता है यहाँ पर। देखिए, और मैं बैठा हूँ इधर करूँगा तो थोड़ा कैमरा ब्लैक ब्लैक हो रहा है, क्योंकि उधर से धूप लगा हुआ है तो थोड़ा अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है। तो अभी हम लोग इसको इधर करता हूँ। ये देखिए, बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है और शांति जगह होता है यहाँ पर बहुत सारे। और बहुत सारे मॉन्क्स लोग हैं यहाँ पर। लॉकडाउन से पहले तो बहुत सारे थे यहाँ पर, और लॉकडाउन के बाद तो यहाँ पर मॉन्क्स बहुत कम है। लॉकडाउन के टाइम पे जो खुल गया था उस टाइम पे यहाँ पर नहीं थे। तो अभी फिर मॉन्क्स लोग है यहाँ पर, पूछा था कितना है तो 40-50 मॉन्क्स लोग है बोला। अच्छा लगा, खुशी लगा। और यहाँ पर 5:30 का अभी मेडिटेशन होता है तो रुकता हूँ थोड़ी देर के बाद में, देखता हूँ मेडिटेशन वगैरह। और थोड़ा आप लोग को यहाँ से मैं इस तरफ दिखाना चाहता हूँ, देख सकते हैं ऐसे। देखिए बहुत तो अच्छा जगह है ना। यहाँ से आप लोग जो ये टेंपल है, देखिए आप लोग को दिखाता हूँ। और जो ये टेंपल्स है, ये टेंपल से, और यहाँ से ऐसे आप लोग जाएंगे तो ये बड़ा बड़ा चट्टान है ऊपर पीछे में, और यहाँ से आप लोग ऐसे शेयर कर सकते हैं, ऐसे घूम सकते हैं। बहुत शांति जगह, पीसफुल जगह, बहुत सुंदर जगह, बहुत अच्छा लगता है यहाँ से। ऐसे देखिए, बहुत दिल को इतना चैन होता है ना इधर आने के बाद। देखिए आप लोग, यहाँ पर ऐसे पत्थर लगा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ से बैठ सकते हैं आप लोग, घूम सकते हैं, बैठ सकते हैं, शांति पीसफुल होकर बैठ सकते हैं आप लोग। बहुत अच्छा देखिए, है ना। बहुत पानी का टैंकी लगा हुआ है पीछे, और यहाँ से ऐसे दिखता है नज़ारा, देख सकते हैं आप लोग। देखिए तो दोस्तों, क्या करें अभी, ऐसे कहाँ जाना, किधर जाना। देखिए मैं तो थोड़ा गर्म गर्म भी लग रहा है, मुझे गर्म गर्म भी लग रहा है। तो नीचे से बुला रहा था कोई दस लोग, तो देखते हैं अभी थोड़े में जाके। तो अभी हम लोग का यहाँ पर जहाँ पर भी बुद्धिस्ट टेंपल है वहाँ पर शांति लगता है। और जहाँ पर जो टेंपल वगैरह हो गया, मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, यहाँ पर रहने के लिए बहुत पीसफुल, बहुत शांति लगता है, बहुत अच्छा लगता है, दिल को बहुत खुश लगता है। मैंने एक बात याद किया हूँ, मैं बहुत जगह पर गया हूँ, और जहाँ पर भी ये मस्जिद होता है और बुद्धिस्ट टेंपल होता है, हिंदू टेंपल होता है, क्रिश्चियन का गिरजा घर होता है, वहाँ पर जाके रहने के लिए दिल इतना खुश लगता है, इतना शांति, इतना पीसफुल लगता है, बहुत अच्छा लगता है। बहुत ऐसा ना, जैसे कि अभी हम लोग शांत रहने का दिल करता है यहीं पर, बैठने का दिल करता है यहीं पर, लेकिन क्या करें दोस्तों, अपना अपना एक एक मजबूरी होते हैं। तो ऐसे अभी तो कोई भी नहीं है, और ये टाइम खुलता है सुबह, टाइम है ओपन होने का टाइम और क्लोज होने का टाइम, ये सुबह सुबह कितना बजे, 10 बजे लेके 1 बजे तक खुलते हैं, 1 बजे बंद होता है, और 1 बजे से लेके बंद हो गया 4 बजे तक, फिर 4 बजे खुलते हैं, 4 बजे से फिर पूजा हो गया, और पूजा मेडिटेशन वगैरह हो गया ये ख़त्म होने के बाद में, उसके बाद में आप लोग का फिर रात को 8 बजे बंद हो जाता है। तो मगर अभी बहुत अच्छा लगता है यहाँ से रहने के लिए, बहुत बढ़िया लगता है। हेलो, यहाँ से जैसे भी हम लोग निकलेंगे, जो टेंपल है ना आगे, टेंपल्स जो बुद्ध भगवान का जो टेंपल है, टेंपल से निकलेंगे ऐसे बाहर। तो यहाँ से ऐसे नज़ारा बाहर का, ऐसा जो नज़ारा है, ऐसे नज़ारा दिखता है बाहर। तो यहाँ से अभी जो धूप लगा है, धूप भी और डूबने वाला है, सनसेट भी जाने वाला है।
यहाँ से ऐसे दिखता है बाहर, और ऐसे जाओगे तो हैदराबाद का सिटी जो है बहुत दूर दूर तक ऐसे देखते हैं, और बहुत अच्छा भी लगते हैं यहाँ पर। और जो मंक्स बोले थे मुझे, गुरुजी ने बोला था कि यहाँ पर 5:30 बजे का आएंगे मेडिटेशन के लिए, तो बड़ा गुरुजी तो है नहीं, थाईलैंड गया हुआ है, तो आने के बाद मिलते हैं। अभी उसे जो छोटा सेकंड गुरुजी है, वो गुरुजी अब थोड़ा बिजी हो गया, तो थोड़ा बिजी होने के बाद में अभी फ्री होने के बाद उनसे मिलते हैं। अभी तो यार दोस्तों क्या करें, अभी बाहर निकलते निकलते मुझे थोड़ा रात भी पड़ गया, तो ऊपर थोड़ा पूजा ख़त्म नहीं हुआ था, पूजा में बैठा हुआ था, तो शाम का जो इवनिंग पूजा होता है और हो गया, मेडिटेशन हो गया, उसमें बैठते बैठते थोड़ा रात भी पड़ गया। क्या करें, अभी मुझे थोड़ा घर जाना है, रात भी हो गया, तो अभी मेडिटेशन ख़त्म होने के बाद और पूजा ख़त्म होने के बाद अभी मैं ऐसे अभी जा रहा हूँ। देखिए आप लोग को, अभी रात भी पड़ गया, तो ठीक है दोस्तों, आज का जो भी मेरा ब्लॉग है, जो आज मैं पूजा के लिए आया था, तो पूजा करके और जो हम लोग का जो जो नाम से पूजा करना था उसका पूजा भी हो गया, तो गुरुजी ने नाम से लेके पूजा भी कर दिया। तो आज का जो ब्लॉग था मुझे, तो आज यहीं पर इन करना चाहता हूँ। तो थैंक यू दोस्त लोग को, सबको जो मेरा वीडियो देखने के लिए, आप लोग सबको थैंक्स कहना चाहता हूँ। तो द लविंग गोरखा जोशी की तरफ से भी बहुत ज़्यादा बधाई, थैंक्स, धन्यवाद। सो आज के लिए ब्लॉग यहाँ पर एंड करना चाहता हूँ, तो लव यू ऑल गाइस, लव यू। यहाँ से तो रात काला काला दिख रहा है ना, तो लव यू ऑल सब मेरे दोस्तों। तो आज के लिए इतना वीडियो में एंड करना चाहता हूँ। बाय बाय, किक लव यू, बाय बाय।